हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम द टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स। और इसके पहले क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में कवर्ड हैं और बाकी के चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस प्रॉपरली प्लेलिस्ट में तुम लोगों को मिल जाएंगे। हर चैप्टर के अराउंड 7 to 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम लोगों को बोर्ड के पहले सारे क्वेश्चंस एकदम थॉरो होने चाहिए। तो अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जैसे नया क्वेश्चन आता है तुम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन ये वाला। सो यहां पर लिखा है 0 टू पाई बाय 4 log 1 plus tan x into dx। तो इसको हमने इवैल्यूएट करना है। तो वी राइट लेट द इंटीग्रल बी डिनोटेड एज i। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी रिपीट होता है बोर्ड्स में, तो देखो क्या स्टेप्स इसके लिए फॉलो करते हैं। इसको जो गिवन इक्वेशन है इसको फर्स्ट ले लिया हमने और इसमें प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर देनी है। जहां पर x है तो वहां पर हमने अपर लिमिट माइनस x, ये हमने प्रॉपर्टी यहां पे यूज करनी है। और यहां पे मैंने जो स्पेस छोड़ी है इसमें अपर लिमिट इज पाई बाय 4 और माइनस x, ठीक है। सो इट इज 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस, इसका फॉर्मूला लिख देना है tan a माइनस बी या tan पाई बाय 4 माइनस x का। सो इट इज 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसके बाद log के ब्रैकेट में LCM ले लिया, सो इट इज 1 प्लस tan x इन द डिनोमिनेटर, इधर आ गया 1 प्लस tan x प्लस ये हो गया 1 माइनस tan x dx। तो यू कैन सी tan x कैंसिल हुआ, सो इट इज 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। देन ये जो दोनों इक्वेशंस है हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, क्योंकि हमें मालूम है जब हम ऐड करेंगे तो log की प्रॉपर्टी है log, फिर कॉमन लेने पर ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो तुम लोग देख सकते हो 1 प्लस tan x फिर कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं ये वाला स्टेप हम लोग। सो दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, तो ध्यान रखना है इंटीग्रल और इधर वाला इंटीग्रल ऐड होके हो गया 2y। दिस इज इक्वल्स टू, दोनों पे लिमिट सेम है तो लिमिट इंटीग्रल का कॉमन ले लिया और जो टर्म्स है वो ले ली log 1 plus tan x plus log 2 upon 1 plus tan x. Then, this is 0 से pi by 4. Log की property, log common में जब लेते हैं, addition में, तो अंदर product form convert हो जाता है। इससे देखो ये benefit हुआ कि ये 1 plus tan x पूरा cancel हो गया, तो बच गया क्या हमारे पास log 2। अब तुम लोग देख सकते हो log 2 तो कांस्टेंट है, सो ये इंटीग्रल के बाहर आ गया, तो यहां पर रह गया 0 से पाई बाय 4 ओनली dx। ओनली dx का मतलब है इधर 1 है और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, इट इज x। तो x जो आ गया उस पर लिमिट डाल देनी है हमने, तो x पे लिमिट जब पुट करी तो यू कैन सी द रिजल्ट विल बी दिस विल बी पाई बाय 4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आंसर आ गया इससे हमारा, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल सो 2y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इनटू log 2। गलती से ये 4 और ये 2 सब एडजस्ट मत करने लग जाना, log 2 अलग टर्म है पाई बाय 4 अलग, तो पाई बाय 4 पहले आ गया। सो यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल इज ये 2 इधर आके, so it is pi upon 8 log 2। so देखो काफी सिंपल है, प्रॉपर्टी लगाने से ये काफी इजी हो जाता है और बिना प्रॉपर्टी के ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे नया वीडियो आएगा तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आ जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।